यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग ऑफ बेस में 7 की पावर 1/3, ये 3 अंदर लिखा हुआ है, ओके 2410, 2401, ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को बतानी है, 2401 लॉग ऑफ। यहाँ पे मैं इसे सबसे पहले मैं इसे क्वेश्चन को करेक्ट कर देता हूँ, ये बेसिकली लिखा हुआ है रूट क्यूब रूट ऑफ 7 लिखा हुआ है बेस में। अगर मैं देखूँ ये वैल्यू क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 7, इस तरीके से ये लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 2401। अब मैं यहाँ पे 2401 के बारे में क्या जानता हूँ, ये 49 × 49 इसकी वैल्यू होती है, और 49 को अपन क्या लिखेंगे 7 × 7, और फिर से 49 को 7 × 7, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है 7 की पावर 4। तब अगर मैं ये वैल्यू देखूँ तो ये वैल्यू क्या है लॉग, और बेस में मैं वैल्यू देखूँ तो 7 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 की पावर 4। तब मैं यहाँ से एक प्रॉपर्टी जानता हूँ जो लॉग की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे ये वैल्यू है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ से एक प्रॉपर्टी जानता हूँ कि ये वैल्यू आ जाएगा 4/1/3, और ये आ जाएगा लॉग यहाँ पे 7, यहाँ पे 7। यहाँ पे मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, ये प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग में, लॉग लेट से बेस की, बेस में यहाँ पे m की पावर n हो और यहाँ लेट से a की पावर b हो, ठीक है, यहाँ पे भी पावर हो, यहाँ पे भी पावर हो, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इस पावर को इधर b बाय n कर सकते हैं, और लॉग m और यहाँ पे a, तो ये वैल्यू, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज किया। यहाँ पे क्या किया, इस 4 को मैंने पीछे ले गया लॉग के, और इसकी पावर जो 1/3 थी इसको भी अपन ने पीछे ले गया, तो ये पावर जो होता है इसकी पावर से तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू को, और इसकी पावर से डिवाइड करते हैं वैल्यू को, तो यही यही अपन यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होता है, जो ए की पावर बी है तो इस बी से तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को, और एम की पावर एन जो है एन से अपन डिवाइड करेंगे, यही प्रॉपर्टी यहाँ ने अपन यूज किया है, ठीक है। अब अगर मैं ये वैल्यू देखूँ तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है 4/1/3, ये लिखा हुआ है 12 12 × log 7 7। अब मैं एक वैल्यू और जानता हूँ लॉग एक्स एक्स, ये वैल्यू क्या होता है 1, अगर बेस और इसका ये वैल्यू सेम हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो लॉग 7 बेस 7 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा 12 × 1, डेट इज इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12, ठीक है, ये वैल्यू अपने पास ये 12 है, अगर ये क्यूब रूट लिखा हुआ है तो, ये 7 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, तो अपन इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेट्स से अगर ये सेपरेट लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है वो अपने को आइडिया नहीं रहता, अगर ये सेपरेट लिखा हुआ है तो लॉग 3√7 अगर लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4901, तो 4901 अगर लिखा, सॉरी 2401 अगर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अगर सेपरेट लिखा हुआ है तो इसके लिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये 2401 अगर लिखा है तो इसको अपन क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग, बेस में मैं 7 लेके इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बेस 7 2401, और दोनों के बेस सेम लेके सॉल्व कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाय लॉग 7, ये 3√7, ये क्या आ जाएगा 3√7, ठीक है, ये 3√7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यूज करी है, लॉग ऑफ ए बेस बी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं लॉग बेस में एम ए अपॉन लॉग बेस में एम बी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज करी है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी यूज करें तो अब अगर अपन आगे इसको सॉल्व करें, मैंने यहाँ पे दोनों का बेस क्या ले लिया 7 ले लिया, अब आगे मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या आ जाएगा लॉग 7, और ये 7 की पावर 4 लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाय इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है, तो ये आ जाएगा लॉग 7 3 प्लस लॉग 7√7, ठीक है, ये अपन अगर मल्टीप्लाई में हो तो इसको अपन सेपरेट करके एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से अगर अपन ये वैल्यू देखें तो यहाँ पे अगर अपन आगे इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा लॉग 7 7 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग 7 3 प्लस इसको क्या लिखेंगे लॉग 7 और 7 की पावर 1/2, ठीक है, ये 1/2 लिखेंगे। अब अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ये बेसिकली क्या लिखा है लॉग 7 7 की वैल्यू क्या होती है 4 × 1 अपॉन ये लॉग 7 3 और प्लस का यहाँ पे 1/2 × log 7 7 आ जाएगा, लॉग 7 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, लॉग 7 बेस 7 का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 4/log 7 3+1, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब अगर जो भी क्वेश्चन में करेक्शन हो उसके अकॉर्डिंग अपन ये आंसर बोल सकते हैं, अगर ये क्यूब रूट ऑफ 7 है तो आंसर 12 आ जाएगा, अगर ये सेपरेट लिखा हुआ है 3√7 लिखा हुआ है तो उसको अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ है, अगर 3√7 लिखा है तो अपन इसको ऐसे सॉल्व करेंगे,
जो ये मैंने आगे सॉल्व किया है। और अगर क्यूब रूट ऑफ 7 है तो वो तो बिल्कुल ईजी है, 7 की पावर 1/3 लिख देंगे और 2041 को 7 की पावर 4, और फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अकॉर्डिंगली अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।